Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की गठबंधन के हार की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं उपचुनाव के वक्त शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के करीबी असीम रजा की हार हुई थी और अब इस हार पर भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा बयान चर्चा में आ गया है। दरअसल बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में कहा है कि आजम खान से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन निहत्थे लोगों को पीटने और जेल भेजने का काम करेंगे। जब मैं रामपुर गया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि एक रात रुक कर देखिए, जिस कार्यकर्ता के यहाँ आप चले जाएंगे उसके यहाँ पुलिस आ जाएगा। जितने मुस्लिम कार्यकर्ता मिलने आए उनको रात में घर छोड़ना पड़ा। इस तरह का तांडव पुलिस वहां पर कर रही थी। आजम खान ने कहा कि आप मुरादाबाद रहेंगे तो शायद ये तानाशाही नहीं होगी। लोकतंत्र की हत्या, चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी के चीफ ने कहा कि वर्तमान के अधिकारी और कर्मचारी वो सत्ता के आगे इतने नतमस्तक हैं कि वो भूल जाते हैं कि सत्ता बदलती है। कल सत्ता बदलेगी तो इन अधिकारियों की नौकरी करनी है। फिर भी उन्होंने जो हालात की है वो देखने लायक है। कहीं 3, कहीं 2 और कहीं 9 वोट पड़े थे। अगर जनता अपने मत का प्रयोग ही नहीं करेगी तो लोकतंत्र किस बात का? केवल चंद फैसला करने के लिए कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो बाबा साहब के सपनों के लोकतंत्र की हत्या है। उस दौरान उन्होंने कहा कि मुकदमा लिखना पुलिस के हाथ का काम है। निर्दोष लोगों को डराया गया लेकिन जनता में जो उबाल था, इसके अलावा जो एक सामाजिक भाईचारा बना, उसने सरकार की जड़ें हिला दी। अहंकारी सरकार को जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। सरकार में अगर आप जनता के साथ धोखा करोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और चुनाव हारने के बाद चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से बयान आया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है एक नया मोड़ लेती नजर आ रही है। बाकी इस पर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।